नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। किसान यूनियन का विरोध प्रदर्शन। किसान बिल के विरोध में सिद्धार्थ नगर जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन के साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा की यूनियन व कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करते हुए जमकर केंद्र सरकार को कोसा और इस बिल को किसान विरोधी बताया। इस दौरान भाजपा किसान यूनियन और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के सड़क पर प्रदर्शन के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल के साथ पीएसी के जवानों को तैनात कर रखा था। किसान बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांग है कि अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार दिया जाना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए बनने वाले कानून को तत्काल रोका जाए व देश में असीमित भंडारण करने वाले कानून को खत्म किया जाए, नहीं तो पूंजीपति अनाज का भंडारण करके अनाज के मूल्य में असीमित वृद्धि करेंगे, जिसका खामियाजा पूरे देश के लोगों को उठाना पड़ेगा। खबर जगत के लिए सिद्धार्थ नगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। लोग यहां आए हैं प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं? हमारा प्रदर्शन है, पार्लियामेंट में 3 कानून लाया गया जिसमें MSP को समाप्त करने की बात कही गई है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन इस बात का मांग कर रही है कि MSP को कानूनी रूप दिया जाए कि MSP से नीचे बाजार में कोई सामान न बिके। दूसरी बात है, दूसरा कानून है भंडारण अनलिमिटेड की बात सरकार ने कर दिया। पार्लियामेंट में जो कानून आ रहा है उसमें यह है कि भंडारण अनलिमिटेड किया जाता है कि कोई भी आदमी कितना भी भंडारण कर, जैसे आपका अभी प्याज का रेट 5 रुपया से 10 रुपया था, आज पूंजीपतियों के हाथ में चला गया तो प्याज का रेट 50 रुपया हो गया। तो इस ऐसे गंदे कानून के लिए आने वाले भविष्य में अगर यह कानून बनता है तो चावल और गेहूं भी इसी तरह से 100 रुपया 200 रुपया किलो बिकने लगेगा और देश का किसान और गरीब मजदूर जो है तबाह हो जाएगा। नंबर तीसरा है, एक सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर जो है सरकार का कानून आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है पूंजीपतियों के हाथ में किसानों का खेती दे दिया जाएगा, और उसके खिलाफ सबसे बड़ी बात है यह है कि उसमें जो है किसान मुकदमा भी नहीं कर सकता है। ये तीनों कानून हैं, ये तीनों कानून के विरोध में भारतीय किसान यूनियन इसके घोर निंदा करती है और माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी से मांग करती है इस बिल को वापस लिया जाए और किसानों को उनका हक और अधिकार दिया जाए। और देश में किसान मर रहा है, देश जो है किसान बद से बदल हालत में जी रहा है, ऐसी व्यवस्था में किसान का MSP जो है कानूनी रूप दिया जाए। प्रदर्शन कर रहे हैं, किस रूप में प्रदर्शन कर रहे हैं, कितना उग्र है प्रदर्शन आपका, क्या कर रहे हैं? हमारा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमारे निर्देश है, पूरे भारत में आज चक्का जाम का आयोजन किया गया था कि सड़क पर किसान उतर करके अपनी बात को रखेगा ताकि पार्लियामेंट तक हमारी आवाज़ जाए। हमारा आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग हमारी बात को पार्लियामेंट तक पहुंचावें कि आज आने वाले दिनों में किसान जो अन्न का दाता है, जो पूरी दुनिया को अनाज खिला करके पैदा करता है और खिलाता है जिलाता है, आज उसका बेटा जहर खा रहा है। आज हम कृषि सुधार विधेयक जिसको जबरन उन्होंने राज्यसभा से पारित करा लिया है और जिस दिन ये अधिनियम कानून बन गया, ये विधेयक कानून बन गया, देश का अन्नदाता हमारा किसान तबाह और बर्बाद हो जाएगा। आज पूरे देश के किसान आंदोलित हैं, सड़कों पर हैं। आज किसान संगठनों का भारत बंद का आह्वान था, हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने किसान संगठनों के भारत बंद का समर्थन किया था। हम लोगों को निर्देश आया कि आप जनपद में जाएं और जहां भी हमारे किसान भाई किसान संगठन के लोग आंदोलन कर रहे हैं, भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं, वहां जाकर कांग्रेस के लोग सहयोग करें। और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा किसानों के साथ रही है, किसानों की हित की लड़ाई, किसानों की भलाई की लड़ाई हमेशा कांग्रेस ने लड़ी और किसानों के सम्मान में आज कांग्रेस पार्टी मैदान में है। हम अपने पार्टी के निर्देश का पालन करते हुए और ये हक में, फिर मैं कह रहा हूँ, अगर ये जो कृषि सुधार विधेयक है जिस दिन ये कानून बन गया, देश का अन्नदाता तबाह और बर्बाद हो जाएगा, पूंजीपतियों का गुलाम बन जाएगा। जब तक कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता हिंदुस्तान में बचा है, हम इस अधिनियम को कानून नहीं बनने देंगे। हम सड़कों पर उतर कर संघर्ष करेंगे, हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। सड़क पे तो हमेशा किसान रहता है, लाठियां खाता है, चाहे वो खाद के लिए हो, डीजल पेट्रोल के लिए हो। ऐसे में एक विधेयक पास हुआ है, उस पर क्या कर रही है सरकार? सरकार के जिम्मेदार लोगों से ये सवाल कीजिए, हम विपक्ष में, हम ये क्या कर रहा है? हम इस काले कानून के खिलाफ, हमने अभी परसों इसी जिला मुख्यालय पर ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन करके महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया जिसमें उनसे मांग की गई है कि आप इस विधेयक को मंजूरी ना दें, केंद्र सरकार को निर्देशित करें कि इस विधेयक को वापस ले। कल हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने इस विधेयक के खिलाफ
एक बड़ा लंबा आंदोलन की घोषणा की है। 2 अक्टूबर को हम सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर इस काले कानून के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। आपने देखा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूर्णतया लोकतंत्र और संविधान की विरोधी। अभी राज्यसभा में आपने देखा कि किस तरीके से बिल पास हुआ, बिना किसी बहुमत के इन्होंने अपने आप बिल पास कर दिया गया, एक लोकतंत्र की हत्या करने की शुरुआत की है। आप लोग जानते हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के महामंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने जब 73वां इसका चेंज आया था किसान अधिनियम कानून का, और उन्होंने लोकसभा से इसको पारित करवाया, लेकिन राज्यसभा में किसी कारणों से नहीं पारित हो पाया, और उन्होंने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने कहा कि हम इस सदन को आज से स्थगित करते हैं और हम मैदान में जाएंगे, और जब हमको जनता दोबारा राज्यसभा और लोकसभा में पूरा बहुमत देगी तब हमको इसको पास करवाएंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज राज्यसभा में अपने आप इसको पारित कर दिया जा रहा है। और किसानों के लिए आप क्या कहें, मोदी सरकार ने इससे पहले नोटबंदी लाई तो काला धन तो वापस आया नहीं, GST लाई, किसी भी व्यापारी को फायदा हुआ नहीं। अब जो उनको किसान दिख रहा है उनके पीछे पड़ गई है। एक किसान को जो देश की मूल नींव है, इनको दिख रहा है कि इस मंदी के दौर में जब देश की GDP -23% है तो भी किसानों ने +3.5% की GDP प्रोड्यूस की है। अब इनकी नज़र उसी चीज़ पर है और इसको बर्बाद करना चाहते हैं। मेरा इस सरकार से अनुरोध है, अगर उन्होंने इस चीज़ को वापस नहीं लिया तो कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ मैदान में सड़क पे हमेशा दिखाई देगी।